दोस्तों ये जो आप प्याज की फसल देख रहे हैं, ये जो प्याज होता है उसको ही रुपाई करके तैयार की जा रही है। इसकी जो समय अवधि होती है 2 से 2.5 महीने होती है, जल्दी तैयार हो जाती है। ये जल्दी तैयार होती है जिसे मार्केट में हम जल्दी सेल करके और पैसा कमा सकते हैं। दूसरी विधि होती है जिसमें बीज का जो बिजाई की जाती है, उसको जो नर्सरी तैयार होती है, नर्सरी तैयार होने के बाद उसकी रुपाई होती है, फिर उससे जो कंद है उनका निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इसको तैयार करते हैं जो 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है, ये जल्दी आपको सेल करनी होती है, इसकी जो स्टोरेज क्षमता कम होती है उसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है जो नर्सरी से तैयार होती है। तो दोनों में से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं और देखा जाए प्रॉफिट ज़्यादा किस में है, तो प्रॉफिट आपको इसी में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 2 से 2.5 महीने में आपकी सेल योग्य हो जाएगी और कम से कम खर्चा आएगा, क्योंकि सिंचाई और जो उर्वरकें हैं, जो चीज़ें आपको करनी है, जो कार्य करने हैं, वो कम से कम करने पड़ेंगे। वही जो नर्सरी वाली है उसमें नर्सरी में देखरेख, नर्सरी में दवाएं, सारी चीज़ें आपको करनी है, इसके बाद उसकी रोपाई करनी है, फिर बाद में आपको 4 से 5 महीने तक उसको तैयार करना है, फिर बाद में वो सेल योग्य होगी। लेकिन कभी कभी फ़ायदा उसका भी मिल जाता है, क्योंकि जब वो तैयार होती है और उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है उस समय, और या फिर स्टोर करके उसको कुछ समय के बाद जब सेल करते हैं तो मार्केट में कीमत अच्छी मिलती है। तो दोनों में से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहे और प्याज की खेती करके आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।